सो हेलो मेरी प्यारी टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ताजे फ्रेश वीडियो में। और फिलहाल मैं दोस्तों अभी आ गया हूँ इस समय करीमनगर चौराहे के पास, और यहाँ से मैं चल रहा हूँ चारगावा चौराहे के साइड में। और ये जो रोड आप लोगों को दिख रहा है, ये रोड यहाँ हमारे गोरखपुर का स्मार्ट रोड होने वाला है। तो फिलहाल बहुत जल्द ये रोड बनने वाला है, सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ये स्मार्ट सड़क क्या होता है, सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा, वीडियो को एक लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए इस रोड के बारे में आप लोगों को सारी जानकारी देते हैं कि कैसे कैसे एक्चुअली में सारी चीज़ें क्या होने वाली है। तो मेरी प्यारी टी फैमिली, मैं फाइनली अभी मैं हूँ करीमनगर चौराहे के साइड में, और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं चारगावा चौराहे की तरफ। और जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ तकरीबन 13.5 करोड़ रुपए से जो है कि करीमनगर से चारगावा चौराहे तक जो है कि स्मार्ट रोड बनने वाला है। 13.5 करोड़ रुपए की लागत से ये रोड बनने वाला है। तकरीबन 760 मीटर लंबी सड़क को स्मार्ट रोड बनाने के लिए कंसल्टेंट फर्म मेसर्स जना अर्बन स्पेस इंडिया फाउंडेशन के द्वारा प्रस्ताव जो है कि तैयार कर दिया गया, और इसका टेंडर भी जो है कि मिल चुका है। तो फिलहाल में बहुत जल्द इस रोड का निर्माण कार्य चालू होने वाला है। यह सड़क आसपास के आवासीय क्षेत्रों एवं गोरखपुर विकास प्राधिकरण की राप्ती नगर योजना को शहर की प्रमुख व्यावसायिक सड़कों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क होने वाली है। इस सड़क पर पैदल चढ़ने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, और यातायात पर भी मतलब बहुत ज़्यादा यातायात भी इस रोड पर देखने को मिलते हैं। इसी को लेकर के इस रोड को यानी कि चारगावा चौराहे से करीमनगर चौराहे तक, या तो हम कह सकते हैं कि करीमनगर चौराहे से चारगावा चौराहे तक इस रोड को जो है कि स्मार्ट रोड बनाने के लिए जो है कि प्रस्ताव आ चुका है, और बहुत जल्द इसका काम शुरू होने वाला है। स्मार्ट रोड के साथ साथ सामान दोनों साइड में जो है कि सामान फुटपाथ और पार्किंग की भी व्यवस्था होने वाली है। स्मार्ट रोड की जो DPR है, जना अर्बन स्पेस फाउंडेशन के द्वारा तैयार किया गया है। तो फिलहाल इस तरीके से कुछ होने वाला है हमारा गोरखपुर का पहला स्मार्ट रोड, जो है कि बताया जा रहा है कि सड़कों पर साफ सफाई बनाए रखने के लिए स्मार्ट डस्टबिन एवं पेलीगन सिग्नल भी लगने वाले हैं। दो पहिया और चार पहिया तथा ऑटो रिक्शा की पार्किंग भी स्मार्ट तरीके से बनाई जाने वाली है। तो फिलहाल एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी जो गोरखपुर में चारगावा से करीमनगर चौराहे के साइड में जो स्मार्ट रोड बनने वाला है, ये वास्तव में जब बन जाएगा तो वास्तव में विदेशों वाली फीलिंग आप लोगों को इस रोड पर चल करके आने वाली है। इस रोड के दोनों तरफ स्मार्ट LED स्ट्रीट लाइटें भी लगाने का प्रावधान किया गया है। तो फिलहाल हम एक तरीके से कह सकते हैं कि चौराहे और सड़क की डिजाइन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुधार किया जाएगा, और चौराहों पर टर्निंग को भी कम किया जाएगा। दोनों तरफ होंगे समान चौड़ाई के फुटपाथ, पैदल यात्रियों को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रकार की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है, और टेबल टॉप क्रॉसिंग रैंप जो कर्ब और बेलार्ड की भी सुविधा होने वाली है, जो है कि डक्ट इसके साथ सड़क को काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दो पहिया चार पहिया ऑटो ई रिक्शा की पार्किंग भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से नियमित तरीके से की जाएगी, और रिटेल फ्रंट वाणिज्यिक परिसर एवं स्कूलों तथा विश्वविद्यालय के पास ड्रॉप ऑफ जोन भी लगाने का प्रावधान किया जाएगा। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे गोरखपुर का जो पहला स्मार्ट सड़क होने वाला है चारगावा चौराहे से करीमनगर चौराहे तक, या करीमनगर चौराहे से चारगावा साइड में, तकरीबन 750 मीटर का ये जो सड़क बनने वाला है, और जो है कि 4 लेन के साथ साथ स्मार्ट रोड के सारे गुण आप लोगों को इस रोड में देखने को मिलेंगे। इसका टेंडर भी पास कर दिया गया है, और बहुत ही जल्द हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंशा के अनुसार महानगर गोरखपुर महानगर सिटी एवं सेफ सिटी की परिकल्पना के आधार पर रेल विहार रोड को स्मार्ट सड़क बनाया जाएगा, जहां नागरिकों को सड़क से सभी बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया का काम भी बहुत ही जल्द स्वीकृति मिल चुकी है। तो फिलहाल इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे गोरखपुर का रेल विहार रोड है, एक तरीके से हम कह सकते हैं
वो गोरखपुर का पहला जो है कि रेल विहार रोड स्मार्ट रोड बनकर के आप लोगों के सामने बहुत जल्द आने वाला है। तो फिलहाल इसका काम भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। जैसे ये काम कंप्लीट हो जाएगा, वास्तव में एक बार आप लोग इस रोड की तरफ आइएगा और यहाँ से देखिएगा कि वाव वाली फीलिंग आपको ज़रूर आएगी। तो फिलहाल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, वंदे भारत, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर गाइस।